हम करेंगे एक्सरसाइज नहीं बल्कि रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे किसकी, चैप्टर फोर की। तो चैप्टर फोर की रिव्यू एक्सरसाइज में हम इसके एमसीक्यूज आज समझ लेंगे, ताकि आपको मार्क नहीं करने पड़े, आपको एमसीक्यू देख के समझ आ जाए कि क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है। तो रिव्यू में पहला क्वेश्चन है, अब एक चीज मेरा बेटा ये देखें, एक फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के, ये दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक है। अगर ए बी की वैल्यू आप इधर रखें तो भी वैल्यू ठीक आएगी, उधर रखें तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये उसकी एक्सपैंड फॉर्म है, ठीक है। तो दोनों चीजें बराबर हैं, इसमें हम ए बी की वैल्यू रखें तो सेम आएंगी। इसी तरह अगर एक्स में फॉर्मूला होता तो एक्स की वैल्यू जो भी रखते, कोई भी वैल्यू रखते, दोनों आंसर हमेशा सेम ही आता है, क्योंकि ये दोनों साइड्स ही बराबर हैं। इसको एक तो आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की आइडेंटिटी है। दूसरा, इसमें हम एक्स वाई की कोई भी वैल्यू या जो भी इसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू रखेंगे, तो जब भी वैल्यू चेंज करेंगे दोनों साइड्स का आंसर हमेशा सेम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दफा कुछ आ रहा है, मतलब थ्री रखा है तो इधर का आंसर कुछ आ रहा है और उधर का आंसर कुछ आ रहा है, क्योंकि ये सेम टू सेम है, फॉर्मूला ही खुला हुआ है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 5x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही है ना, 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बना, 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 5 10 10 40 40x आ गया, ठीक है। उसने शायद दरमियान में लिखा हो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमेशा सेंटर में ही रखता है, क्योंकि ऑर्डर वाइज आता है ना, ठीक है। ये हो, अब ये और ये बराबर है, एक्स की कोई भी वैल्यू हो इसमें रखें तो फिर यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी ना, 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16, ये आपके पास क्वेश्चन है, ऐसी है ना। इसमें हम एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें तो दोनों साइड हमेशा वेरीफाई होंगी, ठीक है। तो उन्होंने नीचे ऑप्शन क्या दिया, वन वैल्यू ऑफ एक्स, कि ये ट्रू होगा, एक वैल्यू एक्स नहीं, इसमें कोई भी वैल्यू हम रख ले तो ठीक होगी। दूसरी ऑप्शन कहता है टू वैल्यू फॉर एक्स, लो उसके बाद कहता है ऑल वैल्यूज फॉर एक्स, तो क्या इसका आंसर बनेगा, इट्स ट्रू फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, सीधा सा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट आ रहा है फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ एन एक्स ओवर डी एक्स, वेयर एन एक्स एंड डी एक्स आर पॉलीनोमियल इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ये डेफिनेशन है, आपने कल सीखी है, ठीक है, जिसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप यहां से भी लिख के सेम टू सेम ये भी लिख सकते हैं, अगर पेपर में ये मौजूद हो एमसीक्यू में तो फिर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, हाँ, फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज ग्रेटर, मेरा खुद ही आ गया, तुझे तो मार्क क्यों है मेरे बेटे ने, वाह जी वाह, बाबा ही मैथमेटिक्स तेरे में आया हुआ है। अब डिग्री ऑफ एन एक्स मतलब न्यूमिरेटर की डिग्री ग्रेटर देन हो डी एक्स, मतलब ऊपर बड़ी चीज हो और नीचे छोटी हो, न्यूमिरेटर की डिग्री बड़ी कहा ना। अब देखें, ऊपर प्लेट हो और नीचे एप्पल हो, सीधी सी मिसाल, तो ये तो इम्प्रॉपर वे है ना, ठीक है। ऊपर डिग्री बड़ी है, नीचे छोटी है, फ्रैक्शंस में भी हम ऐसे ही करते थे कि ऊपर हमेशा छोटी चीज होती है नीचे बड़ी, इस वजह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन, ऊपर छोटी चीज है नीचे वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। दूसरी चीज मेरा बेटा उसने क्या बताया, ये प्रॉपर होगी कि इम्प्रॉपर होगी, इसका अंदाजा हमें ये नीचे वालों को आपस में मेंटली मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। ऊपर डिग्री कितनी है, एक्स डिग्री होती है एक्सप्रेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, उसमें एक्स की पावर कितनी आ रही है, वन। नीचे अगर हम दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो मेंटली हमें पता लग रहा है कि नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर डिग्री छोटी है। तो अगर न्यूमिरेटर की एन एक्स की डिग्री छोटी और डी एक्स की बड़ी हो तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है प्रॉपर, के बताएं, सोचें। अब फिर देख लें, मैं आपको फिर आपको करके दिखा देते हैं इस पर कौन सा इतना इश्यू है, ठीक है। अगर आपको जीप लग रहा है 2x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1, और है भी बड़ा आसान ये, क्योंकि नीचे डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर है, हम इसको ठीक करके देखते हैं। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ना भी करते तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि सबसे बड़ी पावर x की
टू आनी है, ऊपर x की पावर 1 है और नीचे 2 है, तो डिग्री ऑफ एन एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ डी एक्स। प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, हमने ऊपर दो एमसीक्यू किए हैं, ऊपर वाले की छोटी है नीचे वाले की बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट वाला फिर आइडेंटिटी है, मैंने आपको पहले डेफिनेशन बता दी थी, ये फॉर्मूला ही खोला हुआ है उसने, ये आइडेंटिटी है, इसमें एक्स की जो भी वैल्यू रखेंगे वो ट्रू ही आएगी, इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ट्रू आएगी। पहले में उसने एक पार्ट पूछ लिया, उसका दूसरे में उसने एक पार्ट पूछ लिया। अब ऊपर देखें पावर थ्री है क्वेश्चन नंबर सेवन में, ऊपर एक्स की पावर कितनी है थ्री, तो डिग्री ऑफ एन एक्स कितनी हो गई थ्री, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी मल्टीप्लाई करें सबसे बड़ी पावर टू ही आएगी, तो डिग्री ऑफ एन एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ऊपर बड़ी चीज है नीचे छोटी चीज है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन को लिखने का तरीका, ये मेरा एक्सरसाइज वन पॉइंट, पहली एक्सरसाइज ये मेरा बेटा, इसमें आपने उसको ए और बी करके ही लिखना है, उसने लिखने का वे ही पूछा है, क्या होगा इसका मेरा बेटा आंसर, पता नहीं मेरा उत्तर, हाँ जी ए ही इसका आंसर है, फिर भी एक बार लिख के दिखा देते हैं, जिन्होंने नहीं देखी 4.1 देखे तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा, 4.1 की वीडियो में ये मौजूद थी। उसने क्या इसको लिख के दिखाया भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, टू नीचे क्या है एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, तो हमें इसके ऑर्डर, अब नीचे ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू, ऐसे ही लिखते थे हम इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ गया मेरा बेटा, अब नीचे ए वाला इसका आंसर मान रहा है, मान दूसरे वाले का ये नहीं आंसर, दूसरे वाले में थोड़ा सा फर्क आ गया, दूसरे वाले में थोड़ा सा फर्क क्या आ गया, अगर आप नीचे नोट करें कि उसके अंदर पावर मौजूद है ना, जब अंदर पावर आ जाए तो ये 4.2 या 4.3 का सवाल बनता, 4.3 का सवाल बनता है। इसका लिखने का तरीका ही है बस, जब अंदर स्क्वायर हो तो उसको हम ए एक्स प्लस नेक्स्ट करके लिखते हैं, ये देख लें, बस देखने में समझ आ जाएगी आपको, क्या क्वेश्चन मेरा बताना, एक्स प्लस टू ओवर इसके अंदर पावर नहीं है ना, दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू इसके अंदर पावर है ना, इसमें पावर नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा ए ओवर एक्स प्लस वन आ गया, उसको हम करेंगे बी एक्स प्लस सी, उसको हम अगली टर्म के साथ जोड़ते हैं एक्स लगा के, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको लिखने का तरीका ये है, जब भी अंदर पावर आ जाए तो नेक्स्ट जो अल्फाबेट आना था उसके साथ एक्स लगा के साथ वाला नंबर साथ वाला अल्फाबेट ऐड करेंगे, ये 4.3 के लॉन्ग क्वेश्चंस में इसको लिखने का तरीकाकार ये है, तो इसका आंसर क्या बन रहा है बी। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही है ना, लास्ट में वो देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहला तो मसला हमारा क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखें कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखवाएं मुझे, 7 over 2 करता मैं, देखें हम 7/2 को डिवाइड करेंगे, अगर 7 / 2 2 3 are 6 ऐसे ही है 1 आ गया, अब इसको घुमाना पड़ेगा हमें एंटी क्लॉकवाइज, जब हम मिक्स्ड में लिखते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा 3 साइड पे आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, इसकी भी कुछ शक्ल ऐसे ही बनेगी, मतलब इसके भी साइड पे कुछ आएगा, तो उसका जो साइड वाला नंबर होता है उसको साथ साथ वैसे ही लिखते जाते हैं, तो इसमें पहले वाले में तो कुछ इस तरह का सीन है ही नहीं है, ए पार्ट में तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं है, बी पे देखते हैं, बी वाले में ऐसा सीन है ना, लेकिन उसने एक्स प्लस वन और बी एक्स जोड़ दिया, बी एक्स तो तभी जुड़ता है जब अंदर पावर हो, उसमें अंदर पावर नहीं है, वो भी चला गया, सी में वन भी आ रहा है और ए के नीचे एक्स प्लस वन और बी के नीचे, ऑर्डर भी बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर सी होगा। इसके बाद हमने नीचे क्वेश्चन टू किया था शॉर्ट क्वेश्चंस, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने सारे कर लिए थे, ठीक है, तो आपका एमसीक्यूज भी इसके हो गए और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके हो गए, अपने लॉजिक्स अपने रीजंस कॉपी पे लिखें तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगे, इनको मार्क करने की जरूरत नहीं है, इनको देख के तो अपने दिमाग में रीजनिंग किया करें, ठीक है, कि ये क्यों इसका आंसर है, तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगे, चाहे पेपर में कहीं भी एक भी एमसीक्यू आए तो आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये कहां से आया है, तो इनको मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इनको भी कर लें तो आपका चार चैप्टर्स के एमसीक्यूज हो गए।